31 तारीख को पार्लियामेंट लगी है, मैं जाऊंगा उसमें, तो लिहाजा पार्लियामेंट की बहुत हंगामी भी होगी और उसमें हम लोग इस मसले को पार्लियामेंट के अंदर उठाएंगे और चाहेंगे कि जो शहरी जो तरमीमी कानून जो पास किया गया है या सीएनआर जो लाई जा रही है, इसकी हम ये सबके खिलाफ है, आवाम के खिलाफ है, खासतौर से मुसलमानों के तो बिल्कुल खिलाफ है और वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान से हम कमजोर हो जाएं, हम यहाँ के दो नंबर के शहरी बन जाएं, लेकिन इंशाल्लाह हम ऐसा नहीं होने देंगे और हमें कितनी कुर्बानी क्यों नहीं देनी पड़े तो हम हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं और आपकी इस कुर्बानी को कि मैं दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि हमारी माँ बहनें हमारी बेटियाँ निकलकर हमारे बच्चे यहाँ पर इस ठंड में यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है और इंशाल्लाह आपकी ये कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी और इसका अजर भी अल्लाह ताला हमें देगा और हमारी सुनेगा। हम अल्लाह से दुआ भी करेंगे, हमें सबसे पहले तो अल्लाह से भीख मांगना है, अल्लाह से दुआ करना है कि वो हमारी कौम की हिफाजत करे और हमारी माँ बहनों की इस हिंदुस्तान के अंदर जितने भी हम लोग हैं, बहरहाल ये हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है, इसलिए हिंदुस्तान हमारा भी है और कोई यहाँ से हमें नहीं निकाल सकता। अगर कोई ऐसा कोई वक्त भी आया तो उसके लिए भी सारी कौम कुर्बानी के लिए खड़ी हुई है।